नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल ही आपको याद होगा 29 जनवरी 2021 को इजराइल की जो एम्बेसी है दिल्ली में उसके बाहर एक ब्लास्ट हुआ। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि इससे पहले भी ऐसा ब्लास्ट हो चुका है 2012 में इजराइल की एम्बेसी के बाहर और उस वक्त शक गया था सीधा ईरान पर। इस बार भी लग रहा है कि ईरान की ही यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस पर आर्टिकल है और ये आर्टिकल भी टाइम्स ऑफ इसराइल का है। इसराइल का मीडिया इस वक्त काफ़ी डिस्कस कर रहा है इस अटैक को। वो भी समझना चाहते हैं कि कौन अटैक करेगा इसराइली एम्बेसी को इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर अटैक हुआ है, जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर एक लेटर पाया गया है। लेटर में मेंशन किया गया है फखरीजादे और सुलेमानी को। कसीम सुलेमानी को पता होगा, ये ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे। इनको यूएस ने ड्रोन हमले के जरिए मारा था इन इराक और इनके असैसिनेशन पर ईरान ने ये ओपनली कहा था कि इसका बदला लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप से कसीम सुलेमानी की मौत का ये इवेंचुअली बदला लेंगे। फिर दूसरा जो यहाँ पे इंडिविजुअल है, मौसीम फखरीजादे, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। हाल ही में ईरान में इनको मार डाला गया। किसने मारा ये क्लियर है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ज्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इसराइल और यूएस मिलकर काम कर रहे थे, मगर ऑफिशियली किसी कंट्री ने मोहसिन फखरीजादे की जो डेथ है इसको क्लेम किया नहीं है। तो बहुत अजीब बात है कि इंडिया, एक ऐसा देश जिसका दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है विद फखरीजादे विद सुलेमानी, हमारी धरती पर जो इसराइल की एम्बेसी है उसके बाहर एक ब्लास्ट होता है, चिट्ठी पाई जाती है जहां पर इन दोनों का नाम लिखा है और आगे चिट्ठी में यह भी लिखा है कि ये बस एक ट्रेलर है, ये कभी भी चाहे किसी भी समय अटैक कर सकते हैं। और अभी के लिए ये रिपोर्ट सामने आई है कि मोसाद की टीम दिल्ली आने वाली है, ये खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पूरे इवेंट को विद द इंडियन एजेंसीज। और अजीब बात यह भी है, ये भी अब रिपोर्ट सामने आई है कि मोसाद ने पहले ही इसराइल की एम्बेसी को बता दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास एक ब्लास्ट होगा ड्यूरिंग द 29th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इसराइल रिलेशन। जी हाँ, 29 जनवरी 2021 को इंडिया और इसराइल सेलिब्रेट कर रहे थे 29th एनिवर्सरी ऑफ देयर रिलेशंस। तो मेरे हिसाब से देखिए, आने वाले समय में इंडिया के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तब बच जाएगी जब मोसाद इंडिया में आकर इन्वेस्टिगेशन करती है और ये लोग कहते हैं कि जो ये ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे ईरान है, या तो ईरान की सरकार डायरेक्टली है या फिर ईरान बैट कोई ग्रुप है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, एक बहुत ही गुमनाम सा एक ग्रुप है जिसका नाम आज तक किसी ने सुना नहीं है, ना किसी रिकॉर्ड में है, जैश उल हिंद। अचानक से ये ग्रुप सामने आता है और टेलीग्राम के एक अकाउंट के जरिए इंडियन मीडिया और जो इन्वेस्टिगेशन की टीम्स है इनको ये बताता है कि ये अटैक इन्होंने करवाया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम्स अभी के लिए जो जैश उल हिंद का टॉपिक है इसको सीरियसली ले नहीं रहे, ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक डायवर्जन के लिए भी यहाँ पे टैक्टिक हो, मगर इंडिया के लिए इन द फ्यूचर काफ़ी मुश्किल होगा चूज करना बिटवीन इसराइल एंड ईरान अगर इस तरीके की एनिमिटी इनकी चलती रहती है इंटरनेशनली और इवन इंडिया की ज़मीन पर भी। और भारत की जो इवेंचुअल चॉइस होगी इसराइल और ईरान के बीच में, इसको और कॉम्प्लिकेट बनाता है जो बाइडेन की प्रेजिडेंसी का आना। जो बाइडेन, मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा एंटी इसराइल है, आप सुन के सरप्राइज होंगे। बराक ओबामा भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इसराइल के प्रति सिंपथेटिक नहीं थे, ये बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये बातें एक्चुअली उस वक्त इतनी रिकॉर्ड हुई नहीं थी क्योंकि उस वक्त 2014-15 की मैं बात करूँ अगर तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर इतनी वीडियोज़ नहीं आई थी, इतने इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए नहीं थे, मगर ये आपके सामने एक आर्टिकल है 2015 का फ्रॉम द टाइम मैगजीन, ओबामा वोंट मीट विद नेतन्याहू ड्यूरिंग वॉशिंगटन विजिट। ये कई बार देखा गया कि जब नेतन्याहू यूएसए गए, बराक ओबामा इसराइल गए, तो ये दोनों लीडर्स ने एक दूसरे से मिलने से भी मना कर दिया। दोनों लीडर्स के बीच में बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी थी, एक दूसरे को पसंद करते नहीं थे। और इसका रीज़न आप पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, नेतन्याहू ने काफ़ी बार बराक ओबामा के साथ मीटिंग कैंसिल क्यों की थी, इसका रीज़न है बराक ओबामा की आलोचना इसराइल की पॉलिसी को लेकर। बराक ओबामा ने काफ़ी बार इसराइल को ये कहा कि जिस तरीके से आप बॉम्बिंग करते हो गाज़ा पट्टी की, या फिर आप ज़मीन चुरा रहे हो वेस्ट बैंक में, ये गलत है, आपको अपनी जो नई सेटलमेंट्स है ये रोकनी होगी। इसराइल ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर खुश नहीं था, इन्होंने बराक ओबामा की आलोचना करी काफ़ी बार। और आप कह सकते हैं अमेरिका की रीसेंट हिस्ट्री में, पिछले 50 साल की हिस्ट्री में, इसराइल के प्रति सबसे ज़्यादा अनफ्रेंडली और अनसपोर्टिव प्रेसिडेंसी थी बराक ओबामा की, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, और जो बाइडन का रुख भी काफ़ी हद तक सेम ही है इसराइल को लेकर। बाइडन की जो विदेश नीति है मिडल ईस्ट में, वहाँ पर उनका सेंट्रल फोकस है इस वक्त ईरान पर। कैसे भी करके वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील बराक ओबामा ने बनाई थी इसको वापस ये एस्टैब्लिश कर दे और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी के लिए रुक जाए और ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये भी हट जाएं। और हाल ही में हमने ये भी देखा है कि ईरान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने
सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ जो भी डिफेंस डील थी पुरानी सब कर दी अभी के लिए सस्पेंड, एवरीथिंग इज ऑन फ्रीज। बाइडन ओपनली संकेत दे रहे हैं ईरान को कि आपने जो भी तरक्की करी है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उसमें से काफी कुछ या तो फ्रीज कर दो या इरेज कर दो और हम आपके जो सैंक्शंस है ये हटा देंगे इन द ईरान न्यूक्लियर डील। इसराइल कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसराइल ने हमेशा से ये कहा है कि ये कभी भी एक न्यूक्लियर पावर्ड ईरान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन वाला ईरान इसराइल की एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाइडन काफी हद तक प्रो ईरान रहने वाले हैं ये एंटी इसराइल सही वर्ड नहीं है, इसराइल के प्रति ये हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होंगे। इसराइल को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये इग्नोर कर देंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं, कई कंट्रीज ने इसराइल को एक्सेप्ट किया है, वैसा ट्रीटमेंट दूर दूर से भी इसराइल को नहीं मिलने वाला विद जो बाइडन। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि अगर जो बाइडन जल्द से जल्द ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर देते हैं तो हम बहुत ही तेजी से चाबहार पोर्ट पे काम करके उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान यहाँ पे जो अपनी कनेक्टिविटी है ये इम्प्रूव कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया में अपना एक्सेस बढ़ा सकते हैं, ईरान से हम ऑयल परचेज कर सकते हैं, नेचुरल गैस परचेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है फॉर इंडिया। डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि कल को अगर ईरान ओपनली इसराइल के अगेंस्ट स्टेप्स लेने स्टार्ट कर देता है तो उस वक्त ईरान के साथ मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करना, बिजनेस करना, इनके साथ ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि इसराइल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है फॉर इंडिया। और अभी के लिए अगर मान लीजिए कि मोसाद की टीम एक प्रॉपर रिपोर्ट में ये प्रूव कर देती है कि जो अटैक हुआ था दिल्ली में, जो ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे ईरान का ग्रुप है, तो इंडिया पे प्रेशर यहाँ पर ये होगा कि ओपनली ईरान की भी हम निंदा करें, ईरान को भी हम कंडेम करें फॉर टेरर एक्शंस, जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को। और आप अगर सोच कर दे, आप अगर बात करें एथिक्स की, तो अगर मान लो ईरान का कोई गुमनाम सा ग्रुप भी इस ब्लास्ट के पीछे है तो डेफिनेटली इंडिया को ईरान को भी कंडेम करना पड़ेगा इंटरनेशनली, जैसे हम काफ़ी बार पाकिस्तान को करते हैं। तो अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, हमको कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा बिटवीन ईरान एंड इसराइल इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और यहाँ पे एक और इशू मैं ये भी एड्रेस कर लूँ कि आप कह सकते हैं वेल अगर मान लो एक ईरान बैड ग्रुप ने दिल्ली में ब्लास्ट करवाया भी है तो इसका रीज़न क्या था, ईरान इंडिया को ही क्यों चूज़ करेगा इसराइल को टारगेट करने के लिए। इसके देखो बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो रीजन में यहाँ पर आपको कौन सी अकेली बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल कंट्री मिलेगी जहाँ पर इसराइल की बहुत बड़ी एम्बेसी है, ऑब्वियसली इंडिया है। नेपाल भी इसराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए कंट्री, मगर नेपाल में इसराइल की बहुत बड़ी एम्बेसी नहीं है। बांग्लादेश तो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, ना अफगानिस्तान करता है, फिर ये सब गल्फ कंट्रीज हो गई। यहाँ पे अब जाके कुछ एक्सेप्टेंस की बात शुरू हुई है विद यूएई एंड बहरीन और कुछ और कंट्रीज। तो इंडिया देखो एक ऐसा देश है जहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये काफ़ी हद तक प्रो इसराइल है, जो लोग हैं मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया में ये भी काफ़ी हद तक प्रो इसराइल है। सोशल मीडिया में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल कमेंट्स आपको देखेगी ट्विटर इंडिया पे, फेसबुक पे और जगह। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने इंडिया को यहाँ पे टारगेट क्यों किया है, टू सेंड अ मैसेज टुवर्ड्स इसराइल। सो ये है अंत यहाँ पर इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।